निश्चित रूप से देश में एक कहावत है कि सत्य को दबाया जा सकता है, उसको कुचला जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता। आज वो एक बार फिर सिद्ध हुई है। ऐसे वरिष्ठ नेता जिनको षड्यंत्रकारी बताया गया, आज न्यायालय ने उन सबको आरोप मुक्त किया है। हम सबको तो प्रसन्नता ही, पूरा देश आज इस निर्णय पर खुशी के साथ झूम करके जय जय श्री राम के नारे लगा रहा है। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सवाल उठाने की आदत बन चुकी है, चाहे वो संसद में फैसला हो और चाहे वो अदालत में फैसला हो, वो सवाल उठाते हैं, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने CAA के समय भी जो है इस तरह के सवाल उठाए। ये वही लोग हैं जो किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले बिल के अगेंस्ट में भी सवाल उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो CBI के फैसले के अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। ये सवाल उठाने के रोग से मानसिक रूप से ग्रसित लोग हैं। सर आखिरी सवाल है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी प्रसन्नता जाहिर की है, उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ ये भी साबित हो गया कि तत्कालीन सरकार प्रेम करने की कोशिश कर रही थी, बदनाम करने की भी कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र, इस बात का षड्यंत्र रच रहे थे कि ऐसे लोगों को किस तरह से बदनाम किया जाए, किस तरह से अपने मार्ग को, ऐसे लोगों को मार्ग से हटा करके अपने मार्ग निष्कंटक किए जाए। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला देखिए कि वो खुद ही हट गए सिमट करके, और कुछ दशक, कुछ दहाई की संख्या तक ही रह गए। लगातार सरकार जो है वो कह रही है किसानों के हित में बिल है, MSP को भी बढ़ाया गया, विपक्ष और कई जगहों पर किसानों के आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, ट्रैक्टर जला दिया जाता है, रेल रोकी जा रही है, कई हिस्सों में देश के आंदोलन चल रहे हैं। देखिए, ट्रैक्टर वही जलाया जाता है जो अम्बाला में जलाया जाता है, ट्रैक्टर वही ठीक ठाक करके वापस दिल्ली में जलाया जाता है। देश की जनता आजकल सब देखती है। जहाँ तक रेल रोकने का विषय है, किसानों को भड़का करके, उनके बीच में भ्रम फैला करके, MSP का, जिसका इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, उस विषय को बीच साथ में जोड़ करके, जिस तरह से CAA के साथ में NRC को जोड़ा गया था, वैसे जोड़ करके जो लोगों को उकसाना और सरकार के संरक्षण में आंदोलन चलाना, इसका स्पष्ट नजीर कहीं देखनी है तो पंजाब में आज जाकर के देखनी चाहिए कि सरकार आंदोलनकारियों को उकसा भी रही है, भड़का भी रही है और उनको संरक्षण भी दे रही है। सोनिया जी उपाय भी सुझा रही हैं कि 354 आर्टिकल लगा करके और जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है उनमें ये लागू नहीं कराया जाएगा। तो पहले तो पंजाब की सरकार इसको लागू कर चुकी है, तो उनको तो पहले असेंबली में ऑर्डिनेंस ला करके ख़त्म करेंगे या असेंबली में ला करके पारित कराएंगे, ये तो स्पष्ट कर दें। और जिस दिन ये स्पष्ट करने का निर्णय करें, स्पष्ट करें और ये निर्णय करें, उस दिन देश के सामने इसको भी स्पष्ट करें कि क्यों कर लागू किया था और आज क्यों कर हटाया। जिस दिन लागू किया था उस दिन आपने कहा था ये किसान के हित में बिल है, आज जिस दिन लागू किया उसके बाद में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, आज अगर ये किसान विरोधी है तो फिर आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा था। देश के 130 करोड़ लोग इस बात पर जरूर प्रश्न खड़ा करेंगे। इस बात का चिंतन सोनिया गांधी जी को भी करना चाहिए और उनके दूसरे नेताओं को भी करना चाहिए।